आप पेड इंटर्नशिप भी होती है तो वो आप इंटर्नशिप कर सकते हो, ठीक है, और या फिर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, या फिर किसी भी कंपनी में आप ट्राई कर सकते हो, आप पार्ट टाइम भी आप ट्राई कर सकते हो, जैसे अपवर्क है, ठीक है, फ्रीलांसिंग है, एंड एक फेवर करके एक साइट है, वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो, प्रोजेक्ट वहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एमसीए के बाद में अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, तो वो उसके लिए आपको करना है कि लिंक्डइन की अपने प्रोफाइल नहीं है तो बनाओ, और उसको आप अपना स्ट्रांग, अच्छा, उसको अच्छे से उसका प्रोफाइल बनाओ लिंक्डइन पे। एंड जिस जो भी कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है, तो कंपनीज के अंदर एचआर जो होती है उनसे आप कनेक्ट करो, ठीक है, उनसे कनेक्ट करो और बोलो कि मुझे इंटर्नशिप करनी है, ठीक है। तो अभी आपके पास में जैसा भी नॉलेज होगा इंटर्नशिप में, वो ज़्यादा आपसे डिमांड नहीं करते हैं, लेकिन जॉब के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। कोई बात नहीं ना, आप जावा के पीछे क्यों पड़े हो? आप नोड जेएस पे चले जाओ, आप जावा स्क्रिप्ट पे चले जाओ, ठीक है। जावा तो वैसे भी इतना इतना बूम नहीं है जितना आप नोड जेएस पे और जावा स्क्रिप्ट का जो है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट हर जगह पे है, ठीक है। पाइथन है तो आप पाइथन सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी लैंग्वेज सेम ही होती है, ठीक है। अगर आप देखो, हाँ, लॉजिकली वो सेम होती है, बस थोड़ा बहुत उनका ड्रेसिंग सेंस अलग होता है, और कुछ नहीं है, ठीक है। हर एक लैंग्वेज के अंदर ओप्स कॉन्सेप्ट होते हैं और प्रोग्रामिंग होती है। लॉजिक, अब देखो, सबसे पहले उसके लिए जरूरी है कि आप अपना फंडामेंटल स्ट्रांग करो, ठीक है। फंडामेंटल स्ट्रांग कहाँ से होंगे? आपके जो बेसिक आपने सी सीखी है, ठीक है, ठीक है, तो सी, ठीक है, तो वो आती है, वो आप ठीक है। देखो, प्रोफेशन, आप किसी भी लैंग्वेज के पीछे मत जाओ, ठीक है, मेन जरूरी है आपका कैरियर, ठीक है, और जो ट्रेंडिंग में जो टेक्नोलॉजी चल रही है, आप अपना आपको अपग्रेड करो, ठीक है। चाहे आपको जॉब मिल जाए, उसके बाद भी आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो कंपनी में, किसी भी कंपनी में जाने से पहले जरूरी होता है कि आपको सी एंड डी से आना जरूरी है। हाँ, यार, मेरी नज़र में इंटर्नशिप का तो मैंने नहीं देखा है कि कोई है या नहीं, लेकिन है बहुत, इंटर्नशाला एक ऐप है, ठीक है, एक साइट है इंटर्नशाला, तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, आप लिंक्डइन पे जाके वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, तो लिंक्डइन पे आपको कनेक्शन बनाने पड़ेंगे, ठीक है, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप एक्सपीरियंस हो, वो आपके लाइफ टाइम काम आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप एचआर से चल, अगर कोई होगा तो मैं डेफिनेटली मैं बता दूंगा कि हाँ, यहाँ से आप इंटर्नशिप कर सकते हो, ओपनिंग है, ठीक है। लेकिन अगर आप सर्च करो कि लिंक्डइन पे इंटर्नशिप, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हालांकि मैंने इसके बारे में सर्च किया नहीं है, पर इंटर्नशिप आप जरूर करो। और कुछ इसके अलावा कोई डाउट हो? हाँ, तो डीएसए के जैसे आप पूछ रहे थे कि मुझे कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, और जितना हो सके आप क्वेश्चन सॉल्व करो, और गिग्स फॉर गिग्स साइट है, तो वहाँ पे आप अपने जो भी जितने भी वहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है वो सॉल्व करना स्टार्ट करो, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपका डीएसए उतना स्ट्रांग होगा, लॉजिक आपका उतना बिल्ड होता जाएगा। हाँ, होता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना, जैसे आपने एक क्वेश्चन उठाया गिग्स फॉर गिग्स पे, ठीक है, पहले आपने ट्राई किया, ठीक है, कि मैं इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है,
और आपने ट्राई किया, हो सकता है कुछ टेस्ट केस पास हो गए, कुछ टेस्ट केस पास नहीं हुए, आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर आप उसका सॉल्यूशन देखो यार, ये सॉल्यूशन किस तरीके से, इस सॉल्यूशन से कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, ठीक है ना? फिर आप खुद वापस से ट्राई करो, ठीक है ना? तो जितना आप, जितना उसके ऊपर ट्राई करोगे, जितनी कोशिश करोगे, उतना ज्यादा आपका वो बिल्डअप ऑटोमेटिकली होता जाएगा, ठीक है? आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट बनते जाओगे, ठीक है? एक सिंपल सा स्टार पैटर्न होता है, या फिर आप रिवर्स स्ट्रिंग होती है, ठीक है ना? सिंपली अगर आपको कह दिया जाए कि आपको रिवर्स करना है स्ट्रिंग को, तो हो सकता अगर कोई बिगिनर हो तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि मुझे कैसे करना है। देखो मेन चीज, अगर लॉजिकली आपका अगर डीए से स्ट्रांग है तो आप कोई भी लैंग्वेज पकड़ सकते हो, ठीक है? डीए से स्ट्रांग होना जरूरी होता है, बाकी लैंग्वेज मैटर नहीं करती है। आप अगर 4 साल का, 5 साल का आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप जावा के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, और आप गूगल का इंटरव्यूज दोगे तो गूगल आपको जावा के बारे में नहीं पूछेगी, वो आपसे पूछे कि डीए से आपको कितना अच्छा आता है, क्योंकि हाँ गिग्स पर, गिग्स पे इतने सारे क्वेश्चन हैं, अगर आपने वो सॉल्व कर लिए तो आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। देन उसके बाद में और भी बहुत सारी चीजें हैं, मेरा बहुत अच्छा खासा स्ट्रांग हो गया, तो बहुत सारी साइट है जो पैसा लेती है, लेकिन बिना पैसे के भी फ्री साइट्स है जहाँ से हम अपना स्ट्रांग कर सकते हैं। हाँ एक माई सर जी का है, तो वहां से आप सीख सकते हो, वो भी हिंदी में समझाते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं। नहीं देखो मैं खुद ही हिंदी में बनाता हूँ, मैं अगर वीडियोस बनाता हूँ कंटेंट मेरा सारा का सारा हिंदी में होता है। बहुत सारे बोलते हैं कि आपका कंटेंट इंग्लिश में नहीं है, तो देखो इंग्लिश में तो बहुत सारे हैं, बट हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं, ठीक है? वो फेस करते हैं कि यार हमें सीखना है, राइट? तो मैं हिंदी में ही बनाता हूँ। कब के बाद? आप किस तरह की क्लास लेना चाहते हो? जैसे अभी डीएसएड में पढ़ा रहा हूं, डीएसए स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है? तो उसके लिए आप देखो, अभी मैं डीएसए पढ़ा रहा हूँ वो आप पढ़ो, ठीक है? वो देखो, क्योंकि जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है अगर उतना अगर आपने क्लियर कर लिया है, क्योंकि लगभग लगभग मैंने 43 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए, ठीक है? और 43 में वो बेसिक हो जाता है। अगर आप कोई भी कंपनी में जाओगे, ठीक है, मेरा तो उतने में काम चल गया, मेरा तो उससे कम में ही काम चल गया, डीएसए मैंने उससे कम मैंने सीखा था जिस टाइम मैंने किसी भी कंपनी के अंदर एंटर किया था। तो अगर वो अगर आपने सीख लिया तो आप का काम हो जाएगा, आपका इंटरव्यूज का कोई भी, अगर किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यूज दोगे तो हो जाएगा, ठीक है? लेकिन उसके बाद भी अगर वो वीडियो देखने के बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट होता है, तो मैं आपसे कोई पैसे वैसे नहीं लूंगा, आप मुझे बता देना कि इस वीडियो में मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है? पैसे चार्ज वार्ज मैं ये नहीं करूंगा, ठीक है? तो आप बता देना कि मुझे यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये किस तरीके से सॉल्व कर सकता है। देखो यार बुक्स तो बहुत सारी है जो टेक के अंदर होती है, ठीक है ना? लेकिन बुक्स आप समझ ही नहीं पाओ, वो इंग्लिश में ही है, फिर कैसे समझोगे आप, ठीक है ना? और आज हर कोई प्रिफर कर रहा है वीडियो देखना, तो आप वीडियो देखो ना, इतने सारे वीडियोस रहे हैं, ठीक है? हाँ जरूर, ओके ओके, थैंक यू, मोस्ट वेलकम।